नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये ब्लॉग बनाना पड़ा है, ये ब्लॉग नहीं, एक आपको खबर देनी है। जैसा कि आप सबको पता होगा, मैं 1 साल से इस चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूँ और आपको मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता हूँ, आपको अच्छी चीज़ें सीखने के देने की कोशिश करता हूँ। मेरे फिर इसके बाद मेरा जॉब लग गया था, आपको पता है मैं दिल्ली में हूँ इस समय। तो मैं सोचा कि अब तो कोई ब्लॉग नहीं दे पाऊँगा आपको, तो मैं ब्लॉग के अलावा आपको जो है कॉमेडी वीडियो देने की कोशिश की। जैसा कि हमारा एक इंटरव्यू उमेश भैया का साथ लिए थे, तो उमेश भैया की वीडियो चल रही थी, कॉमेडी वीडियो। मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं की वीडियो उठा उठा के अपने चैनल पर डालें, और मैं यही गलती करने लगा और फिर इसके बाद मेरे चैनल पे क्या हुआ, स्ट्राइक आ गई। कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक है, जो कि वार्निंग स्ट्राइक है, देखते हैं क्या होता है। ये स्ट्राइक आई थी हमारा जो है 11 तारीख का ही, मुझे पता नहीं था। फिलहाल आज मैं क्रोम ब्राउजर पर जब ओपन करके देखा कि क्या वार्निंग लिखा हुआ था, मैंने देखा फिर इसके बाद वहाँ पर लिखा है वार्निंग स्ट्राइक कम्युनिटी गाइडलाइंस, और फिर इसके बाद वहाँ पे एक्टिव, यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ मैं, कुछ इस तरह से वार्निंग स्ट्राइक आई हुई है। अब देखते हैं कितने दिन में हटती है। अब ये प्रॉब्लम आ ही गई है, ये हमारी ही गलती के कारण आई है, जो हम दूसरे का वीडियो यूज़ कर रहे थे। और मतलब क्या हुआ, एक ही कॉन्टेंट में, मतलब कि उनका सेम टू सेम कॉन्टेंट जो है, मैं उसमें एडिटिंग वगैरह नहीं करता था, मतलब एक दो वीडियो नहीं किए थे। और फिलहाल मैं तो कई वीडियो में जो है सभी वीडियो में एडिटिंग वगैरह करके ही डालता हूँ, तो एक दो वीडियो में एडिटिंग नहीं किए थे, डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर दिए थे। मैं सोचा चलो वीडियो चली रही है, मतलब अच्छी खासी व्यूज़ भी आते थे, उमेश भैया वीडियो जो डालते थे हम उसमें आती थी, मैं सोचा क्यों ना डालते रहें, और अच्छी खासी व्यूज़ है, अर्निंग वगैरह हो ही रही थी। तो उसी के चक्कर में जो है, जब से स्ट्राइक आ गई, कम्युनिटी गाइडलाइंस वार्निंग स्ट्राइक आई, उसी दिन से जो है व्यूज़ भी एकदम डाउन हो गए, मतलब कि 100 150, जो ये हमारे जितने व्यूज़ आते हैं, आपको बता दें दोस्तों, जो व्यूज़ आती थी वो सजेशन से आती थी, रिकमेंडेशन से सब व्यूज़ आते थे। वो रिकमेंडेशन, मतलब यूट्यूब जो है रिकमेंड करना छोड़ दिया कि भाई ये दूसरे का ही कॉन्टेंट यूज़ कर रहा है, इसी के कारण मेरी वीडियो रुक गई। वहाँ से वीडियो रुकने के बाद कोई वीडियो नहीं चली और स्ट्राइक आ गई फाइनली। तो यार दोस्तों, अब देखते हैं क्या होता है। आप लोग यार, मैं सोच रहा हूँ अब दूसरा चैनल बड़ा खोलने के लिए, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो भाई ज़रूर खोलेंगे। तो भाई ये लोग आप सपोर्ट करो प्लीज़, तो कमेंट करिए भाई चैनल खोलें कि ना खोलें। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो खोलेंगे, आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे तो मैं नहीं चैनल दूसरा खोलूँगा। इस चैनल का कोई गारंटी नहीं है कितने दिन चले कितने दिन नहीं चले, इस पर पूरा 1 साल का मैंने मेहनत किया था। पूरा 1 साल मेहनत करने के बाद पूरा चैनल को मोनेटाइज भी कराया, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाके मैंने वीडियो डाली, वीडियो बनाई और फिर इसके बाद अपलोड किया यूट्यूब पे, स्ट्राइक आ गई है। देखते हैं क्या होता है, अगर डिलीट हो जाएगी बहुत तकलीफ़ होगा, क्योंकि बहुत मेहनत से 18,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे एक एक सब्सक्राइबर, पहले तो स्टार्टिंग में क्या करते थे, मोबाइल ले लेके इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता था, और फिर इसके बाद फिर जब एक दो वीडियो निकली वायरल हुई, उसके बाद से वीडियो चलने लगी, फिर इसके बाद एकाएक वीडियो डाउन हो गई, तभी फ़िलहाल में नहीं चलती है वीडियो। तो यार गाइस क्या करें बताओ, चैनल दूसरा खोल लें, अगर दूसरा कोई चैनल खोलना है तो भाई कमेंट कर दीजिए, दूसरा चैनल खोल लेते हैं, अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी खोलेंगे, नहीं फिर इसके बाद बंद कर देते हैं। सॉरी।